अखिलेश यादव के राज में आजम खान की भैंस चोरी होने का मामला तो आपको याद होगा, कैसे पूरा का पूरा पुलिस महकमा भैंस चोरों को पकड़ने में लग गया था। अब ऐसा ही कुछ मामला छत्तीसगढ़ में सामने आया है और यहाँ पर गाय या भैंस नहीं बल्कि गोबर की चोरी हुई है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, छत्तीसगढ़ में चोरों ने 800 किलो गोबर चोरी किया है और पुलिस ने इसकी शिकायत भी दर्ज कर ली है और अब गोबर चोरों की तलाश छत्तीसगढ़ की पुलिस कर रही है। दरअसल ये पूरा मामला छत्तीसगढ़ के कोरबा के दीपका थाना क्षेत्र का है। यहाँ गौठान से गोबर चोरी का मामला सामने आया है। यहाँ पर चोरों ने करीब 800 किलो से अधिक गोबर की चोरी की है। अरे सर जी, क्या बताऊँ, हमारे यहाँ ना घटना घटी है कि गोबर चोरी हो गया, और गोबर चोरी हुआ है तो चार ब्लॉक का चोरी हुआ है। चार ब्लॉक चोरी यानी 30 कुंटल गोबर खाद चोरी हुआ है। मार्केट में वैल्यू सर जी इसका समझिए, अब खाद तो बनाते हैं 2 रुपये में किलो में लेते हैं पहले, उसके बाद में इसको बनाते हैं खाद, केंचुआ खाद बनाते हैं। केंचुआ खाद बनाने के बाद में इसको ना अपन बनाते हैं, केंचुआ खाद बनाने के बाद में इसको ना अपन 10 रुपये में बेचते हैं और मार्केट रेट में 12 रुपये में। फिलहाल दीपका पुलिस ने ये मामला दर्ज कर लिया है और चोरों की तलाश शुरू कर दी है। कमल सी कमल निवासी डोरेना के द्वारा दिनांक 15/6/2021 को थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि गोठान में रखे 8 क्विंटल गोबर खाद को किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा चोरी कर ले गए, जिसकी रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना लिया गया। प्रकरण विवेचना में है और मार्केट में इसका कीमत करीब 1600 रुपये है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर चोर गोबर की चोरी क्यों करेंगे। दरअसल छत्तीसगढ़ सरकार ने गोधन न्याय योजना के तहत लोगों से 2 रुपए प्रति किलो के हिसाब से गोबर खरीदना शुरू कर दिया है। तब से गोबर का संग्रहण जो है वो पूरे प्रदेश में शुरू हो गया है और संग्रहण केंद्र बन गए हैं, और उन्हीं में से एक केंद्र से चोरों ने 800 किलो गोबर चोरी किया है जिसकी कीमत लगभग 1600 रुपए बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और चोरों की तलाश भी कर रही है, लेकिन अब देखना होगा कि आखिर छत्तीसगढ़ पुलिस कब तक इन गोबर चोरों को पकड़ पाती है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।